एक तरफ पूरे देश में नवरात्र में कन्याओं को देवी रूप में 9 दिनों तक पूजा जाता है, तो वहीं दूसरी तरफ संगम नगरी इलाहाबाद में 2 जुड़वा बेटियों को पैदा करना एक माँ को भारी पड़ रहा है। पिछले 1 साल से प्रताड़ना जारी थी, लेकिन जुल्म की इंतहा इतनी ज्यादा हो गई कि 4 दिनों से घर वालों ने मारपीट कर ताला बंद करके घर के बाहर निकाल दिया। स्थानीय महिलाओं और महिला संगठन से जुड़ी समाज सेवियों की मदद से 181 महिला आशा ज्योति हेल्पलाइन को फोन करने के बाद उसे आश्रय स्थल भेजा गया, जबकि पुलिस पीड़ित महिला की मदद ना करने का इस पर आरोप लग रहा है। तो वहीं महिला सीएम योगी से लगा रही है न्याय की गुहार। इलाहाबाद के दारागंज कोतवाली अंतर्गत अलोपी बाग इलाके में एक माँ को सिर्फ इसलिए घर की चौखट से बाहर कर दिया गया क्योंकि उसने अपनी कोख से साल भर पहले 2 जुड़वा बेटियों को पैदा करने का गुनाह कर दिया था। अब माँ को अपनी दोनों जुड़वा बेटियों के पालन पोषण की चिंता सताए जा रही है, क्योंकि मायके वाले भी अब उसका साथ नहीं दे पा रहे हैं। 1 महीने तक बेटी को इस उम्मीद से अपने घर पर रखा कि मेडिटेशन और काउंसिल के माध्यम से घर न टूटे, लेकिन जब बात मेडिटेशन और काउंसिल तक नहीं बनी तो पति और उसके घर वालों ने जबरन तलाक देने की बात पर सहमति का दबाव बनाने लगे। लेकिन जब पीड़ित रेशु गुप्ता नहीं मानी तो तलाक की अर्जी दाखिल कर दी गई, जिसके बाद मायके वालों ने भी साथ छोड़ दिया। मामला 3 फरवरी 2018 का है, जब पीड़ित रेशु को पहले मारा पीटा गया और फिर घर से ये कहकर निकाल दिया गया कि 2 बेटियों की मां को नहीं रख सकते। उसके बाद रेशु के पति को शादी में मन मुताबिक दहेज ना मिलना और शादी के बाद बेटियों के पैदा होने पर उनकी परवरिश से नाराज होकर 3 फरवरी 2018 को घर से बेघर कर दिया गया। मायके वालों को जब पता चला तो वो बेटी को अपने घर ले जाने से पहले थाने ले गए, लेकिन दारागंज थाना कोतवाली में पीड़ित रेशु गुप्ता की थाने में एक न सुनी गई और बिना शिकायत दर्ज किए ही उसे वापस लौटना पड़ा, जिसके बाद मामला 17 फरवरी 2018 को महिला थाने में दर्ज हुआ। लेकिन महिला थाने में तलाक की एक नोटिस भी मिली, जिसके बाद से ससुरालियों में किसी की भी गिरफ्तारी नहीं हुई है और ना ही पुलिस ने पति और ससुराल पक्ष के लोगों पर दबाव ही कोई बनाया है। 3 फरवरी की रात मेरे हस्बैंड मुझे खूब मारे पीटे और मुझे एक जोड़े कपड़े में मुझे और मेरे बच्चे को घर से बाहर निकाल दिया। उनके परिवार वाले भी इसी तरह उनके साथ देकर उन्होंने मुझे मारा पीटा, साथ में उनको निकाल दिया। 1.5 महीने तक मैं सुलह चाह रही थी, दारागंज थाने पहुंची, वहां पे कुछ सुनवाई नहीं हुई, फिर गई महिला थाने में। लेकिन मैं तब भी चाह रही थी कि हमारा परिवार बसा रहे, बना रहे। मैं सुलह ही चाह रही थी उनसे कि सुलह होकर मेरी 2 बेटियां हैं, मैं अपनी 2 जुड़वा बेटी को लेकर कहां जाएंगे। दहेज के वजह से, बेटियों की वजह से, दहेज उनकी मांग थी और बेटियां क्यों पैदा कर दी तुमने, वो भी जुड़वा बेटियां। मैं 3-3 लेडीजों से परेशान हो गया और ये स्टेटमेंट मेरे पति का रहता था। ताला बंद करके ये लोग जिस रात मुझे मार पीट के यहाँ से निकाला, दूसरे दिन मैं यहाँ आई, तब से यहाँ पे ताला बंद है। अब मुझे नहीं मालूम है ये लोग कहाँ चले गए। ये 4 दिनों से मैं बाहर पड़ी हूँ, 1.5 महीने मेरे मायके वालों ने रखा, लेकिन अब वो लोग भी जवाब दे रहे हैं कि भाई मैं कब तक तुम्हें रखूँगी। बस मैं अपने लिए अपने मतलब हस्बैंड को चाह रही हूँ कि साथ में वो मेरे रहे, मेरी बेटियों का परवरिश करे, अच्छे से मारे पीटे नहीं, दहेज के लिए मुझे मांग ना करे, एक साथ मैं रहना चाह रही हूँ। ससुराल में 4 रोज से घर के डेहरी के बाहर अपनी दोनों जुड़वा बेटियों के साथ बैठी रेशु के दर्द की जानकारी जब समाज सेवी महिलाओं और महिला संगठन से जुड़ी महिलाओं को हुई तो उन्होंने 181 आशा ज्योति महिला हेल्पलाइन पर फोन करके जानकारी दी, जिसके बाद उसको सरकारी आश्रय स्थल पर ले जाया गया। मदद करने वाली महिलाओं ने पुलिस पर कार्रवाई न करने के आरोप लगाए हैं। चार दिन से राठी दीदी के नॉलेज में है, क्योंकि एक महिला जो कि एक मंदिर में 4 दिन से है अपनी बेटियों के साथ, उसकी सुरक्षा को कोई इंतजाम नहीं, खाने का नहीं है, 4 दिन से इनको खबर लगी और 4 दिन से इस प्रकरण में लगे हुए सारे अधिकारियों से भी बात की गई। लेकिन जब पुलिस का रवैया भी थोड़ा कम लगा, तब जाके सारी बहनों ने फैसला लिया कि क्यों ना हम लोग जाके इस बहन को खुद मदद करें, और वो बहन आ जाए कि मैं ताला तोड़ के अंदर जाऊंगी। फिर उसकी हिम्मत नहीं हुई कि मैं ताला तोड़ के दोषी क्यों बनूं, क्योंकि मायके ने भी निकाल दिया, ससुराल ने भी निकाल दिया। इसका जब फोन इसका भी आया तो हम दोपहर से हम भी यहाँ पे हैं, लेकिन हम चाहते थे कानूनी तरीके से सुलह समझौते से इसका परिवार बना रहे, 2 बच्चियाँ हैं छोटी छोटी, तो क्योंकि रात हो गई, कोई व्यवस्था नहीं थी, DM SSP और 181 को कह के
हमने ये वैन मंगवाई है ताकि इसको कुछ सुरक्षा मिल सके, वहाँ पे दोनों बच्चों का थोड़ा सा वहाँ पे रहने का कोई स्थान हो, और इनके हस्बैंड को बुला के थोड़ा मीडिएशन हो ताकि इन बच्चों की खातिर एक परिवार बना रहे, ये हमारी दिली इच्छा है। और मुझे बहुत कष्ट है, मैं ये आपको बता दें कि जो पुलिस विभाग को बहुत सेंसिटिव होना चाहिए था, बिल्कुल भी उन लोगों में मुरव्वत नहीं है कि एक बच्ची के साथ कैसे व्यवहार किया जाता है, और हस्बैंड को स्ट्रिक्टली बुला के जो उनको एक्शन लेना चाहिए था वो नहीं हुआ। इसके लिए हम वाकई सीएम योगी साहब को भी शिकायत करना चाहेंगे, और हम ये चाहते हैं, ये नहीं कि वो है नहीं यहाँ पे, चाहे तो वो पकड़ के इसको ला सकते थे, वो आके देखा अरे ताला तो नहीं टूट रहा, अच्छा चलो सब ठीक ठाक है, चले गए वो। ये लड़की भी चाहती तो ताला तोड़ के अंदर बैठ सकती थी, लेकिन उसके बाद कौन इसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी लेता। यही वजह थी कि हमने डीएम एसएसपी से बात करके 181 को बुलाया है। वहीं पुलिस से जब बात की गई तो खाकी अपने दामन को साफ कर रही है और मामले में जल्द सख्त से सख्त कार्रवाई करने की बात कह रही है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ पुलिस ने अब तक किसी परिजन की गिरफ्तारी नहीं की है। थाना दारागंज जनपद इलाहाबाद, ये एक महीने पहले ये एक महिला थाने में आई हुई थी, उनका घरेलू समस्या है, उसके निस्तारण का थाना दारागंज से प्रयास किया गया था, वहाँ से नहीं हो पाया तो बाद में महिला थाने प्रकरण गया था, महिला थाने में इनका FIR दर्ज किया गया और ये प्रकरण जिला परामर्श समिति के उसमें प्रकरण चल रहा है और पति पत्नी के बीच सामंजस्य कराने का प्रयास चल रहा था। एक बार परामर्श की बैठक हुई है, दूसरी भी बैठक होने वाली है। इसी बीच पता नहीं क्या, ये मायके में थी अपनी दोनों बेटियों के साथ में महिला, बाद में पता नहीं क्या बात हुई, वो आ गई कि नहीं हम ससुराल में रहेंगे, हमको वहाँ रखवाइए, तो उसी में कल शाम को ये आई हुई थी। कल तो किसी तरह से इनको समझाया गया, नहीं मानी है। फिलहाल अभी ये लोग महिला जो हमारा केंद्र है आशा ज्योति केंद्र, उस पर अभी इनका चल रहा है। नहीं, उनके खिलाफ अभियोग जो 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 इन्होंने तहरीर दी थी, FIR इन्होंने ही दर्ज कराया है, और FIR के बाद जो विधिक प्रक्रिया है, पहले परामर्श होता है और उसके बाद जिस तरह से आवश्यक होता है, अगर परामर्श में परिवार में दोनों पति पत्नी का सामंजस्य हो जाता है तो एक साथ हो जाते, नहीं तो फिर विवेचना करके जो जैसा अपराध होता है उसी हिसाब से विधिक कार्रवाई करते हैं। फिलहाल इनका प्रकरण परामर्श के समिति के अधीन है। केंद्र की PM मोदी सरकार एक तरफ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात करती है, तो वहीं दूसरी तरफ बेटियों के पैदा होने पर उन्हें अपनी जन्म देने वाली माँ के साथ घर से बाहर निकाला जाता है। अब ऐसे में ये माँ सूबे की योगी सरकार और केंद्र की मोदी सरकार से न्याय की गुहार लगाने को मजबूर है, क्योंकि सूबे की खाकी कोई कार्रवाई जो कर नहीं रही।